टीआरपी रैकेट स्कैम रिपब्लिक टीवी के खाते को सीज करने की कार्रवाई हो सकती है। फर्जी टीआरपी रैकेट में रिपब्लिक टीवी शामिल, पैसे देकर बढ़ाता था टीआरपी। मुंबई पुलिस ने फेक टीआरपी रैकेट का पर्दा किया फाश, तीन चैनलों का नाम आया सामने। रिपब्लिक, भारत बॉक्स सिनेमा और फास्ट मराठी भी है इसमें शामिल। टीआरपी को कैलकुलेट करने वाली एजेंसी बीएआरसी से जुड़ी एक हंसा नाम की एजेंसी पर शिकंजा कसा। देश भर में 3000 से ज़्यादा पैरामीटर, मुंबई में तकरीबन 2000 पैरामीटर के मेंटेन करने का जिम्मा बीएआरसी से जुड़ी एजेंसी हंसा को दिया गया था, जिसने कि इसमें टीआरपी के साथ हेरा फेरी की। जिन घरों में ये कॉन्फिडेंशियल पैरामीटर लगाए गए थे, उसे डाटा को किसी चैनल के साथ शेयर कर उनके साथ टीआरपी को छेड़छाड़ की गई। उन घरों को एक ही चैनल चलाने के लिए काफ़ी बड़ी रकम दी जाती थी। गिरफ्तार किए गए शख्स के बैंक अकाउंट में तकरीबन 10 लाख और 8 लाख नकद बरामद किया गया। तीन चैनल की जानकारी मिली, डाटा के कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे, पैसा देकर टीआरपी बढ़ाने का काम कर रही थी। अनपढ़ लोगों के घर में इंग्लिश चैनल को ऑन करने की डील की गई। 20 लाख रुपए एक अकाउंट में से सीज किए गए और 409-420 की आईपीसी के तहत केस दर्ज किया गया। क्राइम ब्रांच ने इसका पर्दाफाश किया। ये है गलत टीआरपी का केस, टीआरपी पैरामीटर में किए गए बदलाव। 2000 पैरामीटर मुंबई में इंस्टॉल किया गया, जे हंसन नाम की कंपनी को दिया गया था। टीआरपी में हेराफेरी की जा रही है, आप देखो या ना देखो, बस आप किसी विशेष चैनल को ऑन रखिए। कुछ व्यक्ति जो अनपढ़ है, उनके जहां इंग्लिश चैनल ऑन कर रखे थे, दो व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया। 9 अक्टूबर तक रिमांड पर है, कुछ लोगों को ढूंढा जा रहा है। घरों में 400-500 रुपये हर महीने दिए जाते थे। कुछ समय से जे रैकेट चल रहा था, जांच की जा रही है। चैनल के लोग जो जिम्मेदार है, वो हमारी जांच के दायरे में आएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सवाल किया, रिपब्लिक टीवी को संपादक अर्णव गोस्वामी को गिरफ्तार किया जाएगा। इसके जवाब में कहा कि कोई भी कर्मचारी हो, किसी भी पद पर हो, पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा।